आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 27 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वजीर आजम ने फंड्स के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर पार्लियामेंट तहलील की। आपको अपडेट करें कि जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 27 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वजीर आजम ने फंड्स के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर पार्लियामेंट तहलील की। आपको अपडेट करें कि जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 27 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वजीर आजम ने फंड्स के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर पार्लियामेंट तहलील की। आपको अपडेट करें कि जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 27 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी वजीर आजम ने फंड्स के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात पर पार्लियामेंट तहलील की। आपको अपडेट करें कि जापानी वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। 27 अक्टूबर को कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया।